कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 1 नवंबर को वो कनाडा का नया इमिग्रेशन प्लान अनाउंस करने जा रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि जो एप्लीकेंट कनाडा जाना चाहते हैं उन सभी की एप्लीकेशन पे या उनके फ्यूचर पे इसका अफेक्ट क्या होगा। इसमें 2-3 बड़े क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इमिग्रेशन प्लान क्या होता है। जो अभी इमिग्रेशन प्लान अनाउंस होगा वो होगा 24 से लेकर 26 तक का। जो पहले हुआ था वो था 23 से लेकर 25 तक का। उसको अनाउंस किया था जो इनके पुराने इमिग्रेशन मिनिस्टर थे मिस्टर शॉन फ्रेजर। एक्चुअली इस इमिग्रेशन प्लान का क्या अफेक्ट होगा खासकर उन लोगों पे जिन लोगों ने अभी तक पीआर के लिए अप्लाई करना है, फिर चाहे वो स्टडी परमिट पे हैं, चाहे वर्क परमिट पे हैं, चाहे विजिटर वीज़ा पे हैं, किसी भी स्टेटस पे हैं, जिनको अभी पीआर नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, कनाडा में 2.1 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास पीआर नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। उनका फ्यूचर आने वाले दिनों में क्या होगा, इसी इमिग्रेशन प्लान से डिसाइड किया जाएगा कि कनाडा आने वाले 3 सालों में कितने लोगों को पीआर देगा, कितने लोगों को वीज़ा देगा, कितने टेम्प्रेरी वीज़ा पे आएंगे, कितनों को पीआर होगा और पीआर भी किस क्लास में होगा। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। दूसरा, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो टीआरवी पे हैं यानी कि टेम्प्रेरी रेजिडेंस पे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, उसमें कितने कन्वर्जन हो सकते हैं। थर्ड, जितने नए टीआरवी की एप्लीकेशन लगेगी उनमें से कितने लोगों को वीज़ा मिल सकता है उस पर भी बात करेंगे। जो पुराना इमिग्रेशन प्लान था उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा में किसी भी वीज़ा कैटेगरी में। दूसरा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिसको देख कर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में अभी सबसे पहली बात हम बात करेंगे इमिग्रेशन प्लान होता क्या है। इमिग्रेशन प्लान में इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि आने वाले 3 सालों में या 1 साल में कितने लोगों को हमने पीआर करना है, कितने लोगों को किस वीज़ा कैटेगरी में हमने कनाडा में एंट्री देनी है। एक टारगेट सेट हो जाएगा, उस टारगेट से आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उतने ही नंबर जाएंगे, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि कोई 10,000-15,000 ऊपर चला गया नंबर या 10-15,000 नीचे चला गया। इस इमिग्रेशन प्लान से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले 3 सालों में कितने लोगों को कनाडा पीआर करने जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो टीआर जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस पे अभी भी कनाडा में हैं, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि 2.1 मिलियन लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको पीआर नहीं मिला, उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है। अगर टीआरवी की एप्लीकेशन देखते हैं तो 9 लाख तो सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा दिया गया 2023 में। अगर 4-5 लाख को वो पीआर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा रेशो होगा जो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसको पीआर नहीं मिलेगा टाइम पे। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी तो यही लग रहा है कि जो टारगेट है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। बाकी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था उन्होंने भी बहुत क्लियरली बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस टारगेट को नीचे लेकर जाएं। हमारी कोशिश तो यही रहेगी जो पहले का टारगेट था जो 2023 से 2025 का था उसको अभी 2024 से 2026 तक हम इंक्रीज़ कर दें। अभी कितना इंक्रीज़ होगा वो डिपेंड करेगा। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए कि पीआर तो चलो हमने मान लिया, जो नए टेम्प्रेरी रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन आएगी चाहे वो वर्क परमिट की है चाहे वो स्टडी परमिट की है, उनका क्या होगा, उनको कितने लोगों को वीज़ा मिलेगा। उसमें भी इमिग्रेशन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो हाउसिंग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें टीआरवी की एप्लीकेशन चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो हाउसिंग में उनकी हेल्प कर सके, तो उसमें भी आपको बड़े नंबर्स में वीज़ा देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे जो पुराना इमिग्रेशन प्लान था उसमें जो टारगेट थे वो क्या थे। अगर 2023 की बात करते हो तो 4,65,000 लोगों को पीआर देना था कनाडा ने, जिसको ऑलमोस्ट अचीव कर लिया और उससे ज़्यादा ही पीआर मिले हैं। अगर हम बात करते हैं 2024 की तो वहाँ पर जो टारगेट सेट किया था वो था 485, यानी कि 4,85,000 लोगों को। हो सकता है कि इस 4,85,000 का जो नंबर है इसको इंक्रीज़ किया जाए। अभी कितना इंक्रीज़ होगा आने वाले दिनों में जो 1 नवंबर तक हमें क्लियर हो जाएगा। जो 25 का टारगेट था उसमें था 5 लाख लोगों को पीआर मिलना था, अभी उसमें भी कितना इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ तो 100% होगा, इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दीजिए कि इंक्रीज़ नहीं होगा। अभी इसको कितना इंक्रीज़ करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में जो वीज़ा ट्रेंड है वो कैसे रह सकता है। इसीलिए आप सभी को मैं कहता हूँ कि जो इमिग्रेशन प्लान है जहाँ आने वाले दिनों में कनाडा की तरफ से क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो आने वाले दिनों में वीज़ा ट्रेंड कैसे रह सकता है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स हमेशा बात करते हैं सर वीज़ा ट्रेंड का कितना अफेक्ट होता है, बहुत बड़ा अफेक्ट होता है। अगर कोई एप्लीकेंट उस समय एप्लीकेशन लगा रहा है जब वीज़ा ट्रेंड नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल
इमिग्रेशन का टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन जाती है और उस समय अगर वीज़ा ऑफिसर के पास कोई टारगेट नहीं है तो हो सकता है कि अच्छी एप्लीकेशन पे भी रिफ्यूज़ल आ जाए। अगर आपकी एप्लीकेशन उस समय जाती है जब वीज़ा ट्रेंड बहुत पॉजिटिव चल रहा है, यानी कि जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा, जब बहुत मुश्किल से अचीव होगा, जब उस टारगेट को अचीव करना है, तो उस समय अगर कोई कोई ऐसी एप्लीकेशन भी है जिस पर थोड़ा डाउट बन रहा हो तो भी उसको वीज़ा मिल जाता है। हमने बहुत ऐसे एप्लीकेशंस देखी है जहाँ पर अगर एक अच्छे वीज़ा ट्रेंड के समय में वो एप्लीकेशन जाती है तो उस पर वीज़ा आता है। और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन देखी हैं जो अच्छे समय पर नहीं गई, अच्छी एप्लीकेशन पे भी रिफ्यूज़ल देखने को मिला। इसीलिए वीज़ा ट्रेंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में वीज़ा ट्रेंड कैसे रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। 1 नवंबर को इसकी पूरी अपडेट जो आ जाएगा वो भी हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा देखने को जहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।